खाली 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 गया भाई एवं बहनों, सीरियस होता है, वीडियो खास नहीं है, तो वीडियो में आगे बने रहे और बाकी आपको आगे चीज बताते हैं। मेरा फेवरेट वाला टिकट ले रहे ना, और डरो नहीं, ऐसे डरना नहीं चाहिए। बहुत सारा स्टॉल लगा नहीं है बच्चों के लिए, बच्चों के लिए। ये रहा हमारा हाईलाइट पॉइंट, टॉय ट्रेन टाइप का भी। बॉल फेंकी है, गिलास गिराई है, जो बड़ा स्माइल कर करके कूद कूद के गई थी, कैसा लगा? 100 टिकट की अगर बात की जाए तो, क्योंकि काफी डेंजरस एंड हॉरिबल होगा। 100 झूलों की अगर प्राइस की बात की जाए, बहुत सारे स्टॉल अभी भी नहीं लगे हैं। ये तो मेरा इंट्रो वीडियो बनेगा सिर्फ बताने के लिए अपडेट। अरे दिखा दे रहे हैं, स्टॉल वगैरह बहुत सारा है, क्रॉकरीज वगैरह। कितने तारीख से स्टार्ट हुआ है मेला? मात्र 100 रुपए में। हाँ जी, हेलो नमस्ते, गेम शो का सका, कैसे आप लोग? मैं पाकी कौशिक अपने से आगे की नहीं लेके आप लोग के सामने। मेरे पीछे भी आप देख रहे होंगे, लग गया है डिज्नीलैंड मेला। कहाँ लगा है और कितने बजे का टाइमिंग है, क्या क्या चीज है, वो तो आपको अंदर जाके और आगे वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो में आगे बने रहे और बाकी आपको आगे चीज बताते हैं। तो गर्मी का सीजन, समर वेकेशन वगैरह अब स्टार्ट ही होने वाला है इस मंथ से। तो आप लोग कहाँ जाएंगे इस बार वीकेंड को घूमने के लिए, इस समर वेकेशन में मस्ती मजाक करने के लिए? तो आपके लिए बहुत अच्छा सा यहाँ आया हुआ है, डिज्नीलैंड में लग चुका है। एड्रेस की अगर बात की जाए तो आपको स्टार्टिंग में ही बता देते हैं, ये हमारा पाटलिपुत्र ग्राउंड में है। और डिज्नीलैंड मेले में क्या क्या नया आया है वो मैं दिखाऊंगी, बाकी पुराना चीज तो सब लोग दिखाते हैं और पुरानी चीज तो आप लोगों को पता ही होगा। बाकी झूला वगैरह का सेशन दिखा देंगे आपको, जो चीज अलग अलग आया है सब कुछ हम बताने वाले हैं। तो वीडियो में ऐसे ही आगे बने रहिएगा। तो टिकट की अगर बात की जाए तो 20 रुपीज का टिकट है, अगर आप टिकट ले रहे हैं ना और यहाँ पे कटवा रहे हैं तो प्लीज पहले भरवा लीजिएगा, पता चलेगा हमारा पैसा से किसी और को शौक मिल जाएगा, मजा मिल जाएगा। तो चलिए अंदर दिखाते हैं। भाइयों एवं बहनों, सीरीज उतार से समय ध्यान रखिए, ये सीरीज थोड़ा टूटा हुआ भी है। कहाँ गया था? हाँ तो अभी हम लोग ना एंट्री कर गए हैं। एंट्री का टिकट मैंने आपको बता दिया 20 रुपए है, मैं आपको बता देती हूँ एंट्री के साथ आपको उधर स्टार्टिंग में स्टॉल वगैरह मिल जाएंगे, देन उसके बाद आप पीछे साइड जाएगा तो उधर आपको झूला का सेक्शन मिलेगा। तो गांधी मैदान में जैसा लगता था ना, उससे भी काफी बड़ा लगा है। बाकी देखते हैं कैसे कैसा स्टॉल है और क्या अलग है वो आपको बताएंगे, सारा स्टॉल से मतलब घुमाएंगे फिराएंगे नहीं, बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो बन जाता है क्योंकि। तो ऐसा आपको दिखाएंगे कि क्या क्या इस बार नया है, स्टॉल का नाम बता देंगे, आपको देखना होगा तो स्टॉल में आके आप देख सकते हैं। आपको सारे ज्वेलरीज वगैरह मिल जाएंगे, जूती मिल जाएंगी, बैग्स मिल जाएंगे। बस हाँ, इस बार थोड़ा बुक वगैरह का लगा हुआ है, पता नहीं क्यों लगा हुआ है, क्योंकि बुक लवर तो कोई होते नहीं है जल्दी, तो बुक्स वगैरह का भी लगा है। इधर था हमारा स्टॉल सेक्शन, अब इधर आइएगा तो हमारा झूला सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग अपने आप को रोक नहीं पाएगा क्योंकि अभी समर वेकेशन स्टार्ट हुआ है, तो मस्ती करने के लिए कौन भाई रुकता है। तो चलिए एक एक करके आपको एक्सप्लोर करके दिखाते हैं किस टाइप का झूला आया है और किन 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 के लिए आया है। सो देखिए यहाँ पे पार्टीशन बांट दिया गया है, मीन्स इस साइड हमारे बच्चों का आ जाएगा, इधर बड़ों का आ जाएगा। तो पहले बच्चों का आपको बता देते हैं, बच्चों के लिए क्या क्या झूला आया है स्पेशल स्पेशल, ठीक है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे झूल सकते, बड़े लोग भी झूल सकते हैं, लेकिन हाँ सारे बच्चों का इसी में आपको मिल जाएगा। यहाँ बॉक्स का झूला मिलेगा, ड्रैगन ट्रेन मिलेगा, रोल और थिंग्स जो भी बच्चों लोगों के लिए है, भीम, हेलीकॉप्टर, कार्स वगैरह सब कुछ है। तो देखते हैं कोई अंदर जाने देता है तो अंदर जाके बनाते हैं, बाकी आपको और बताते हैं क्या प्राइस वगैरह है। सो ये रहा हमारा हाईलाइट पॉइंट। तो हम लोग आए थे अच्छा खासा शूट करने के लिए कि क्या डिज्नीलैंड में नया लगा है। पुराना सब लोग दिखाते हैं भाई, सब लोग को पता भी होता है कि झूला ही मिलेगा, स्टॉल ही मिलेगा और क्या ही मिल सकता है। लेकिन देखिए अभी ये चीज नया मिला है, हमारा 3D शो, ठीक है? तो यहाँ आपको मिल जाएगा साउथ अफ्रीकन डेंजरस, जो कि फर्स्ट टाइम इन योर सिटी में आया, पटना सिटी में आया है, जो कि काफी डेंजरस एंड हॉरिबल होगा। तो उसका थोड़ा बातचीत करते हैं, बाकी आपका टिकट आपको बताते हैं, 50 रुपीज टिकट है और 12 मिनट का ये हमारा शो चलेगा। और रिव्यू तो जो बाहर निकलेंगे उनसे ही बताएंगे कि कैसा है, किन लोगों के लिए, मतलब किस एज ग्रुप के लोगों के लिए। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, बताते हैं हम, मिलवाते हैं कुछ दर्शक लोगों से। मेरा फेवरेट वाला लेकिन हाँ, इसको हमेशा यही होता है, हमें जाने नहीं दिया जाता है बड़े लोगों के लिए, पता नहीं क्यों। सो झूलों की अगर प्राइस की बात की जाए तो आपको बड़े लोगों के लिए 100 तक का आपको मिल जाएगा प्राइस में, ठीक है? टिकट प्राइस होगा, बड़े लोग जितने भी झूले हैं आपको 100 तक का, सबसे हाईएस्ट जो होगा 100 तक का ही मिलेगा, बाकी 70-60 मिल जाएगा। एंड छोटे बच्चों का जो भी आपको 50 हाईएस्ट सबसे मिल जाएगा, ठीक है? बच्चे लोग का ऑप्शन में है, बहुत सारे बच्चे के लोग के लिए, छोटे बच्चे के लिए जंपिंग वगैरह भी है, टॉय ट्रेन टाइप का भी है, ड्रैगन ट्रेन टाइप का भी है, बड़े लोगों के लिए तो बहुत बढ़िया है। ये तो मेरा इंट्रो वीडियो बनेगा सिर्फ बताने के लिए, अपडेट देने के लिए कि यहाँ पे पाटलिपुत्र में लगा है मेला और टिकट क्या है, बच्चों के लिए कितना है, बड़ों के लिए कितना है, झूलों में क्या क्या है बड़ों के लिए छोटों के लिए, खाने पीने का क्या क्या है और क्या अलग आया है। तो हमारा ये 3D शो का आपको मैंने बताया और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और वीडियो को थोड़ा सा और लंबा करेंगे, ठीक है? ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे लेकिन थोड़ा सा लंबा करके बस बताएंगे, दिखा देते हैं स्टॉल वगैरह में, ठीक है? स्टॉल वगैरह में भी कुछ नया आएगा तो थोड़ा एक्सप्लोर हम पहले कर लेते हैं, उसके बाद आपको एक्सप्लोर करके बताते हैं
कि क्या आया है नया। ठीक है बच्चा, शो देख के आ रहा है, कैसा लगा बच्चा बताओ, कैसा लगा? अच्छा लगा। और अच्छे से बोलो क्या था अंदर, क्या देखने को मिला अंदर? हाँ डायनासोर था। अच्छा लगा, डर लगा देख के? हाँ लगा। बोलो अच्छे से, डरो नहीं, ऐसे डरना नहीं चाहिए। Excuse me, स्माइली क्वींस जो बड़ा स्माइल कर करके कूद कूद के गई थी, कैसा लगा? लोग कैमरा के सामने नहीं आना चाहती थी इसलिए थोड़ा ब्लर करना पड़ रहा है, और इनकी जवाब मैं दे देती हूँ। इनको शो बहुत ही पसंद आया और शो लाजवाब था। टिकट का जो भी पैसा लगा 50 रुपीज सब पैसा वसूल था, तो अगर आप लोग भी जाना चाहते तो जरूर जाए, इन लोग का कहना था। क्या कह रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा बता दीजिए ना, वीडियो खास नहीं है, क्या था अंदर, क्या दिखाया गया था अंदर? वही मतलब मंकी वगैरह का दिखाया हुआ था, डायनासोर वगैरह थोड़ा बहुत दिखाया। किस एज के लोगों के लिए हो सकता है? बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए नहीं है। बड़ों के लिए नहीं है। क्यों? हाँ क्यों नहीं झुला रहे? कैसा लगा झूला? अच्छा लगा? नहीं मजा नहीं आया? और झूलना है? कौन सा झूलना है? ये वाला झूलना है? अच्छा लीना को ये वाला झूलना है। बहुत सारे स्टॉल अभी भी नहीं लगे हैं, जो ज्यादा खाली है। एंट्री में हमारा स्टॉल वगैरह लगा था, इसके बाद इधर स्टॉल वगैरह लगता है, ये भी खाली है। अभी बहुत ज्यादा ही खाली है, यहाँ पे लगने वाला है तो आई थिंक बहुत दिन लग जाएगा, 1-2 दिन लग ही जाएगा। देखिए हर मेले में गेम वगैरह भी होता है, आपको यहाँ गेम का सेक्शन मिल जाएगा, अभी लग ही रहा है। देखो कौन सा गेम है? अच्छा वही वाला गेम है, बॉल फेंकी है, गिलास गिराई है, पूरा गिर जाएगा, पूरा गिर जाएगा, क्या पता गिरेगा कि नहीं गिरेगा। कि अभी थोड़ा लोग गेम्स वगैरह खेलेंगे। ये हमारा गेम बहुत सिंपल वाला है, ये आपको मिल जाएगा एक बड़ा सा बास्केटबॉल, उससे आपको सारा गिलास गिराना है। अरे थोड़ा सा बच गया। अच्छा ये राउंड राउंड बना है, उधर से घूमिए, इधर से निकल जाइए। स्टॉल वगैरह सब सेम है, आप देख सकते हैं टॉयज वगैरह का, गिफ्ट वगैरह का है। तो यहाँ हमारा टैटू जोन भी है, टैटू वगैरह बनवा सकते हैं यहाँ पर। सब सेम है, क्या इसको दिखाए वीडियो को फालतू का, क्यों ही बड़ा करे, बस इसलिए बता दे रहे, दिखा दे रहे हैं। स्टॉल वगैरह बहुत सारा है, क्रॉकरीज वगैरह मिल जाएंगे, सॉफ्ट टॉयज मिल जाएंगे, घर को साथ सजाने का, खाने पीने का बहुत सारा सामान है, बहुत सारा चीजें है। गजब, पट से शॉट, सारा शॉट सही लग रहा है। कितने तारीख से स्टार्ट हुआ है मेला? आठ दिन हो गया है, और मतलब अभी तक बहुत सारा स्टॉल लगा नहीं है। लगेगा, जगह और मेला लगा हुआ था, खत्म हुआ है। कहाँ पे? बाहर में लगा हुआ था, दूसरे जगह लगा था, पटना के बाहर। हाँ अच्छा, उसके बाद यहाँ पे वो लोग आएंगे। अच्छा तो 8 दिन हो गया है, तो कुछ सेल पानी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, आ रहे हैं लोग। अच्छा आप लोग इससे पहले गांधी मैदान में थे क्या? हर जगह मेला करते हैं, गांधी मैदान, जुबली लॉन करते हैं। तो सबसे अच्छा बेस्ट कहाँ रहता है? कहाँ मतलब ज्यादा गांधी मैदान सही रहता है ना? हाँ लेकिन लोग भी यही कहते हैं गांधी मैदान लोकल पड़ जाता है ना, पास पड़ जाता है, ज्यादा लोग जाते हैं, बहुत ज्यादा चलता है वहाँ पे, तो एनी टाइम भी रहता है। अभी बहुत जगह स्टॉल नहीं लगे हैं, देख सकते इतना खाली 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 गया है। तो यही कहूंगी कि अगर आप लोग आ रहे हैं तो आइए, बट आपको ज्यादा सुविधा नहीं मिलेगा, सारा स्टॉल नहीं देखने को मिल सकता है आपको। बट हाँ आप नॉर्मली जो देख सकते हैं, लाइक जैसे यहाँ पे अभी कपड़ा का है स्टॉल वगैरह, कपड़ा लग सकता है, कुछ ड्रिंक वगैरह है, कुछ लेने पीने का सामान है, ओढ़ने पहनने का सामान सब मिल सकता है। बाकी मुझे आइडिया नहीं है कि ये जो खाली खाली स्टॉल है सारे स्टॉल में क्या लगने वाला होगा, और आराम से आइए, पूछते एक बार कंफर्म कर लेते कितने दिनों तक ये लगा रहने वाला है मेला। यहाँ ऊपर और नीचे दोनों साइड आपको जो भी मिलेगा, 5 बुक लीजिए आराम से, 100 रुपये में मिल जाएगा, काफी अच्छा अच्छा है। आप इसमें राइटिंग सीख सकते हैं, पोएम पढ़ सकते हैं, हिंदी, देखिए हिंदी का भी बुक मिल सकता है यहाँ, एक्टिविटी टाइप का है, देखिए कलर कर सकते हैं इस टाइप का, रेमिंग है, इंग्लिश रेमिंग है, इंग्लिश राइटिंग है, बहुत सारा है। आप 5 लीजिए आराम से, स्टोरी बुक बहुत सारा मिल जाएगा, वो भी मात्र 100 रुपये में। चलिए वीडियो को अब ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं, अब इसको समाप्त करते हैं और आपको कहते हैं अलविदा। मीन्स इस वीडियो में आपको कहते हैं अलविदा, बाकी के लिए नहीं कहेंगे। वीडियो को समाप्त करते हैं, बस इतना कहूंगी, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ऐसे प्यार सपोर्ट बना के रखिएगा। बाकी देखने के लिए थैंक यू सो मच।